ये पकड़ो। अरे 10 लाख रुपए का चेक। देखिए मैडम, मैं आपको ना इस 3 किताब का 300 रुपया दे दूंगा। क्या 300 रुपया? अरे दिमाग तो ठीक है ना तेरा, 300 रुपया ये बहुत कम है। पता है मेरे पति ना ये जो किताबें हैं अमेरिका से लेकर आए थे, एक एक किताब पूरे 15,000 रुपए की है, और तू कह रहा है 300 रुपया? क्या मैडम, वैसे भी तो आप इस कबाड़ को बेचने ही जा रहे हैं। चलिए आप इतना जिद करते हैं ना तो आपको 500 रुपया दे देता हूँ। 500? ये भी बहुत कम है, समझ आई? शालिनी यार, 10 लाख रुपए का चेक नहीं मिल रहा। क्या 10 लाख रुपए का चेक? यार वो तो कैश ऑन डिमांड था। जब ही तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कैश ऑन डिमांड चेक है। अगर किसी भी आदमी के हाथ लग गया ना, वो आराम से 10 लाख रुपए निकाल सकता, बैंक वाले कुछ बोलेंगे भी नहीं। अरे बाप रे, ये पैसे मुझे मिल जाए तो मेरे तो सारे सपने सच हो जाएंगे। सुनो, कल तुम ड्रिंक कर आए थे ना, शायद तुमने कहीं गिरा दिया है। यार मुझे पता था ये ज्यादा दारू पीने की आदत ना मुझे ले डूबेगी, और लग रहा है 10 लाख का नुकसान हो ही गया। अरे यार तुम ऐसा क्यों करते हो? एक मिनट, ये मेरी अमेरिका से लाई हुई नोवल तुम रद्दी में दे रही हो? अरे ऐसे ही थोड़ी दे रही हूँ, 500 रुपए की एक है, मतलब 3 की 1500 मिल जाएंगे। क्या 500 रुपए में? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 15,000 रुपए की एक नोवल है ये, समझ आई? दुकानदार को भी दूंगा ना, वो भी 50% देगा, इसके 7,500 बनते हैं, और तुम 500 रुपए में दे रही हो, और ये 3 नोवल है, टोटल 22,500 रुपए होते हैं इनके। अरे साहब मेरे होते हुए आप कहाँ दुकान में बेचने जाएंगे? एक काम कीजिए, मैं आपको इस पूरे कबाड़ का 7,500 रुपए दे देता हूँ। पागल है क्या, 7,500 रुपए लूंगा इसके? पूरे 22,500 की किताबें हैं ये। बाप रे, ये तो मेरे गियर में आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं साहब, एक काम करो, आप मुझसे 22,500 रुपए ले लो, अब तो ठीक है ना साहब? एक मिनट, 22,500 की तो बाहर जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ी दूंगा इन्हें 22,500 की। जो फ्लाइट से लेकर आया हूँ मैं इन्हें, उसका किराया कौन देगा? 50,000 रुपए की हैं किताबें, लेनी हो तो ले वरना वापस दे चली से। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ साहब, को 50,000 रुपया दे ही देता हूँ, फिर भी मेरे को 9.5 लाख रुपए तो बचेंगे। 9.5 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। एक काम करो साहब, आप मुझसे पूरे 50,000 रुपया ले लो, अब तो ठीक है ना? ये लीजिए साहब, मैं तो अपनी बेटी की शादी के लिए बचा के रखा था। हाँ अब ठीक है, मजा आ जाएगा, जो भी नोवल को पढ़ेगा ना बहुत बढ़िया मजे आएंगे उसे। जा अब। ठीक है, राम राम। अरे वाह शालिनी, तुम्हारा तो प्लान बराबर काम कर गया। चलो घर चलते। अरे मैंने साहब को तो बड़ा सुंदर बेवकूफ बना दिया। हम लोग के गांव घर में जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है तो वो जाता है गांव में भैंस चराने, आई साहब अमेरिका से बैल चरा के आए, तभी तो 10 लाख का चेक मात्र 50,000 में मिल गया। अब एक काम करता हूँ, 9.5 लाख रुपया निकाल के ऐश करूंगा।